दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने केवल दारू पीने के नुकसान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दारू पीने के केवल नुकसान ही नहीं होते, बल्कि अगर इसे सही तरीके से पिया जाए तो ये फायदा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। जी हाँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, और ऐसा बहुत बार लोगों ने कहा भी है कि अगर सीमित मात्रा में दारू पी जाए तो ये शरीर के लिए अमृत के समान होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस बात पर अपनी मोहर लगा चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई भी डॉक्टर आपको शराब पीने के लिए नहीं कहता, और ना ही हम कह रहे हैं। हम तो बस आपको अपनी इस वीडियो में शराब पीने के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए जो लोग शराब पीते हैं वो तो वीडियो में चिपक कर बैठ ही जाएं, लेकिन जो लोग इसे नहीं पीते वो भी वीडियो देखना ना भूलें। मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस वीडियो में शराब पीने के कुछ रामबाण फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर हर एक चीज पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जहाँ कुछ लोगों को दारू बहुत जल्दी चढ़ जाती है, और कुछ ऐसे भी लोग है जो चाहे जितने भी दारू पी लें उन्हें कोई असर ही नहीं होता। अक्सर दारू पीने वाले लोगों की हरकतें देखकर लोगों को ये लगता है कि वो खराब होती है, पर दोस्तों ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ज्यादा सच भी है कि दारू अगर सही तरीके से पी जाए तो ये किसी दवा से कम नहीं होती। जी आपने बिल्कुल सही सुना, और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद डॉक्टर्स का कहना है कि दारू दवा की तरह है। पर कई लोग ये सोचेंगे अगर ऐसा है तो डॉक्टर अपने मरीजों को दारू पीने की सलाह क्यों नहीं देता। तो दोस्तों इसके पीछे का सीधा सा कारण लोगों की सोच और उनकी आदत है, क्योंकि जो लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं वो बस चालू हो जाते हैं, उन्हें खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, और फिर वो इतनी ज्यादा दारू पीने लग जाते हैं कि अपना पूरा शरीर खराब कर बैठते हैं। दोस्तों अगर शराब को सही मात्रा में लिया जाए तो ये कई सारे रोगों का इलाज करती है, और घर पर बनने वाली देसी दारू तो सबसे ज्यादा जबरदस्त होती है, जिसे बनाकर तैयार करने के लिए अंगूर महुआ और तरह तरह के फलों का इस्तेमाल होता है। और इस तरह की शराब को अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये बूढ़े को भी जवान बना देगी। पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इंसान के कंट्रोल पर आता है, क्योंकि अगर आपने एक बार शराब पीनी शुरू कर दी तो उस पर लिमिट नहीं लगा पाते, और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, और आपको ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने अपने शराब पीने पर लिमिट लगा ली तो ये समझ लीजिए आपकी पूरी दुनिया संवर जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं देसी शराब पीने के क्या क्या फायदे हैं। देसी दारू पीने का सबसे बड़ा फायदा तो है कि अगर इसे एक लिमिट में पिया जाए तो जवानी हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, बुढ़ापा आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। असल में जो देसी दारू होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को तरह तरह के रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये तक कहा है कि देसी शराब का इस्तेमाल करने से इंसान का दिमाग तेज होता है, जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त बढ़ जाती है, और जो लोग लिमिट के अंदर देसी दारू का सेवन करते हैं वो उनके दिल को भी मजबूत बनाए रखती है। यहाँ तक कि देसी दारू का सेवन करने से खून भी साफ रहता है। देसी दारू को नियमित रूप से लेने से प्रोस्टेट कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, देसी दारू को अगर सही मात्रा में पिया जाए तो ये हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाती है, और पेट में मौजूद हजारों खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने में मददगार साबित होती है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो है कि शुगर के रोगियों के लिए देसी दारू अमृत के समान है। जहां हफ्ते में एक बार इसे दवा की तरह लिया जाए तो ये शुगर की समस्या में काफी मदद कर सकती है। देसी दारू पीने से त्वचा से संबंधित हर एक बीमारी की जड़ खत्म हो जाती है। सही मात्रा में देसी दारू लेने से कभी भी दौरा नहीं पड़ता, और कई सारी रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर देसी दारू पिला दी जाए तो मोटापे को भी कम किया जा सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि देसी दारू पीने के कितने ज्यादा फायदे हैं, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ लोगों को देसी दारू पीना आता ही नहीं है। जहाँ लोग देसी दारू को दवा नहीं बल्कि शराब की तरह हद से ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसकी लत लग जाती है और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर डॉक्टर आपको कोई दवा खाने के लिए कहे और आप उसे हर टाइम खाना शुरू कर दें, दिन रात सोते जागते
बस आप उस दवा को ही खाते रहे, तो जाहिर सी बात है वो दवा आपको नुकसान कर जाएगी ना, क्योंकि आपने उसका जरूरत से ज्यादा सेवन जो कर लिया है। और ठीक है, ऐसा ही देसी दारू के साथ होता है। असल में हमारे भारत में लोग चीजों को नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि विदेशों में जब लोग अपने यहाँ की देसी दारू बनाते हैं तो उसे बहुत ही संभाल कर और आराम से पीते हैं, ताकि ये लोग उसके फायदे ही ले पाए, ना कि नुकसान उठाना शुरू कर दें। और यहाँ तक कि हमें ठीक ऐसा ही करना है। आप तो ये समझ ही गए होंगे कि देसी दारू कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है, बस अब आपको उसका फायदा उठाना है, लेकिन संभल कर, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि शराब को किस तरह से पीना चाहिए, खास करके देसी शराब, जिसके फायदे बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग उसे ज्यादा पीकर अपना नुकसान कर बैठते हैं और ये चीज किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस के लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।